Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. सतपाल भाई, दोपहर दो बजे खबर पक्की है? हाँ, दोपहर दो बजे कमिश्नर अपने घर से रवाना होगा। मगर सतपाल भाई, कमिश्नर से गलती क्या हुई? उसका कसूर क्या है? ईमानदारी, हर ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी किस्मत में हमारी गोली से मौत लिखवा के लाता है। तो कमिश्नर का काम तमाम आप ही के मुबारक हाथों से होगा? नहीं, ये काम मेरा छोटा भाई प्रताप करेगा। ये हवन उसके पहले काम के लिए किया जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? अब ये खून तेरे सर पर सवार रहेगा। अब सतपाल की तरह तुझे भी मौत के खेल में मजा आने लगेगा। कमिश्नर घर से दो बजे निकल रहा है आज दोपहर। ठीक,
जी भैया। गुड, गाड़ियां निकलो। सर कमिश्नर आ गया। कमिश्नर पर गोली सिर्फ मेरा भाई चलाएगा। छोटू मर गया। तूने मार डाला छोटू को। तूने टोंगा दी ग्रेट के भाई को मार दिया। अब तू भी मरेगा। पागल कुत्ते की मौत मरेगा तू। तू देख तमाशा। यू आर अंडर अरेस्ट। नमस्ते जी। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो इत्तफाक था कि मैं वहां मौजूद था। लेकिन ये इत्तफाक नहीं था कि इतने सारे लोगों की भीड़ में तुम अकेले ऐसे इंसान थे जिसने। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? राम सिन्हा। तुम तो हमारे लिए भगवान राम बनकर आए हो बेटा। तुम काम क्या करते हो? डिग्री है, नौकरी नहीं। काम की तलाश में भटक रहा था, दो मिनट सांस लेने के लिए बैठा, आप पर हमला हो गया, अपने आप को रोक न सका। पुलिस की नौकरी करोगे? क्यों नहीं। तुम जैसे बहादुर इंसान की पुलिस को सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कोई नहीं, अकेला हूं, तनाव हो। आज से अपने आप को अकेला और यतीम कभी मत समझना बेटे। सतपाल भाई सलाम। सतपाल भाई नमस्ते। भाई नमस्कार। भाई नमस्ते। भैया। सतपाल मेरे भाई। कैसा है तू? ये सब क्या है? क्या है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी हस्ती के साथ ये सलूक किया तुमने? तुम्हारी मौत आई है क्या? खोलो ये जंजीरें, खोलो ये जंजीरें, वरना तुम सबके सर खोल के रख दूंगा। सतपाल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत हो जाऊं भैया? मैं आपको सलाखों के पीछे नहीं देख सकता। उस पर ये जंजीरें,
मेरा तो खून खोल रहा भैया खून। सतपाल कितनी बार कहा ये गुस्सा अपने अंदर कैद रखा कर, यही तो डोंगा की ताकत है। कैसे खामोश रहूं भैया कैसे खामोश रहूं, उसने आपको सलाखों के पीछे डाल दिया और प्रताप को मार डाला। प्रताप मरा नहीं सतपाल, प्रताप शहीद हुआ है और शहीद होने से पहले प्रताप ने गोली चलाई थी। बहादुरों की मौत मरा है अपना छोटा भाई, बहादुरों की। ये 5 साल की कैद तो कानून की मेहरबानी है डोंगा पर। अब मैं यहां बैठकर अपने हर नाजायज कारोबार को जायज बनाने के तरीके ढूंढूंगा। जिस आदमी ने प्रताप का कत्ल किया, जिसने आपको गिरफ्तार करवाया, अब वही आदमी पुलिस फोर्स में भर्ती होने जा रहा है। लेकिन उसके जिस्म पर वर्दी आने से पहले मैं उसके जिस्म पर कफन चढ़ा दूंगा। नहीं सतपाल, वो शिकार मेरा है, उसे पुलिस में भर्ती हो जाने दो, खाकी वर्दी पहन लेने दो। 5 साल बाद देख तमाशा। वर्दी को कभी हाथ नहीं लगाना, यह पुलिस की आन है और राम की जान है। सही बोलता है साला, वर्दी है तो जान है, वर्दी नहीं तो कुछ भी नहीं। सलीम कौन है? कौन सलीम? वही जो तुम्हारे क्लब में ड्रग सप्लाई करता है, सलीम लंगड़ा। छोड़ो साहब, किधर लूले लंगड़ों की बातें करते हो, पैक पियो पैक, साहब को पैक दो। अरे वर्दी का कमाल है, वर्दी वर्दी पहन के कमर में बंदूक लटका के कोई भी होशियारी दिखा सकता है। वर्दी पहन के सर्कस का बंदर भी अपने आप को शेर समझने लगता है। घूम घूम, इन सालों से इनकी वर्दी उतार लो तो इनकी मर्दानगी भी उतर जाएगी। बहुत बोलता रहे तू। अरे सच्ची तो बोल रहा हूँ यार, ये वर्दी है, ये बंदूक है, तो ही तो होशियारी है, नहीं तो नहीं तो क्या?
बिना वर्दी और बंदूक के मेरे बेडू लोग पे हाथ तो डाल के देख। ये रहा बंदूक, जैसे में दम है तो वर्दी उतार कर दिखाएं। ये 10,000 इसकी वर्दी उतारने के। अब अगर पुलिस स्टेशन में अपने सप्लायर का नाम नहीं बताया तो असली टांग भी तोड़ दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। आओ राम, बैठो। कैसे हो? ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? ठीक हूं। राम, तुम्हारा बुलंद हौसला, नेक इरादा और अजम देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मैंने तुम्हें पुलिस फोर्स में शामिल करके गलती नहीं की। आपका सर मेरी वजह से कभी नीचा ना हो, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी सर। राम, कल से तुम नए पुलिस स्टेशन का चार्ज ले रहे हो। जी हाँ, खार पुलिस स्टेशन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके। अरे साईं, किधर मेरी किटी? उधर है इंस्पेक्टर साईं। राम राम, वो हवलदार साईं कहता है कि मेरी किटी तुम्हारे पास है। बाबा मेरी किटी दे दो। अबे मर गई तेरी किटी और डाल दी उस पे मिट्टी। किटी पे मिट्टी? अरे बहना चले आया क्या? अबे भाग यहाँ से। अरे अरे भाई, मेरी किटी पे मिट्टी? अरे साईं, वो मेरी किटी है बाबा, मेरी किटी, आप समझता नहीं है। अरे साईं मुझो, अरे किधर जाना भाई? अरे अरे कवि राम। नमस्ते जी। कवि, ये है तुम्हारे नए साथी इंस्पेक्टर राम सिन्हा, तुम्हारी तरह बहादुर और ईमानदार। हाय, हेलो, आई एम सॉरी, मैं समझा कि कोई पिस्तौल वाला गुंडा बाबा पुलिस स्टेशन में आ गया। नहीं इनका कहना ठीक है, शायद मैं कपड़ों से, मैं कपड़ों से ही नहीं, शक्ल से। ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ? ठीक है ठीक है, गाड़ी पीछे लो, मुझे पार्क करना है। मुझे भी तो अपनी गाड़ी पार्क करनी है। सीधी तरह गाड़ी पीछे लो, वरना समझ लेना। समझ लेना क्या? क्या समझ लेना? तेरी तो मैं, तू एक ड्राइवर होके इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। बोलो किसकी गाड़ी है, किसके लिए काम करता है? सरकार की गाड़ी है, सरकार के लिए काम करता हूँ। अपना नाम बताओ, एड्रेस दो मुझे, आज तुम्हारी कंप्लेन कराऊंगी मैं। तुम्हारी कंप्लेन होगी तुम्हारे शौहर के पास। मेरी शादी नहीं हुई है। That's good. क्या कहा?
हाँ क्या कहा? कुछ नहीं, आप भी क्या याद करेंगे कि किसी शरीफ और इज्जतदार आदमी के साथ आपका पाला पड़ा, जिसमें अलीगढ़ की अदा, लखनऊ की तहसीब और बॉम्बे वाले का दिल। ए गाड़ी हटा, गाड़ी हटा। अलीगढ़ का दब, लखनऊ की तहजीब, माय गॉड, बॉम्बे वाले का दिल। हेलो, मैं पीके बोल रहा हूँ। अरे दारू पीके नहीं, पी फॉर प्यार और के फॉर किस, अंडरस्टैंड मिस? आपकी उसकी वजह से मेरे इसका वो हो गया। क्या मतलब? अरे कबाड़ा, अरे जब आपको आता नहीं है तो खोल के क्यों बैठी है फैक्ट्री? टेलीफोन पे लेती कुछ है और देती कुछ है क्या? अरे आपकी आवाज को क्या हुआ? हाय हेलो, हाय 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 हाय, आपकी क्या कर सकता हूँ? क्या आई मीन की सेवा? कुछ लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेसेस दिखाइए हमें। वेरी लेटेस्ट, ब्यूटीफुल, फाइन, आइए लीजिए, ये आपकी उस पर बहुत जचेंगे। जी पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा वो मत लगाना। क्या आई मीन टाइम, कपड़ा बदल के ये क्या बन गया? ये कौन? यू आर एक्सक्यूज्ड। कुछ कपड़े दिखाना पैंट शर्ट के। क्या वो करके आए हो क्या? वो करके आई मीन कि कुछ मारा मारी करके आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, कैसे आए हो कपड़े? हाँ, तो वो चाहिए या वो? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि टाइट चाहिए या लूज? बीच वाली। बीच वाली, आई अंडरस्टैंड, मीडियम साइज माला। इनको भी गाला में घुसेड़ दो। कौन से गाले में? कपड़ा बदलने का गाला, कपड़ा चेंज करेगा ना। अच्छा दो चार पीस फर्स्ट क्लास भेजता हूँ। पीस? सूट के और बूट के। बूट तो पहना हुआ है, चालू लगता है। हाय, तुम ये अंदर क्या कर रहे हो? मुझे उसने भेजा है। किसने? दुकानदार ने। बाहर जाओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। बाहर जाओ। अच्छा जाता हूँ भाई। अरे यहाँ तो वो थी, यहाँ क्यों घुस गया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे क्यों घुसा यहाँ? अरे मेरा तो वो कर दिया ना। वो क्या? अरे कबाड़ा। कबाड़ा तो तुमने मेरा किया है, अंदर घुसा के। तुमने अंदर आने क्यों दिया? अरे मैंने तो इसको वो किया था। वो क्या किया था? मना किया था, मगर ये जबरदस्ती घुस गया। अरे झूठ बोला ये, इसने मुझे। अरे वो क्या कहता है? तुम जानबूझ के मेरा पीछा कर रहे हो। मैं पीछा कर रहा है, पुलिस को बुलाता हूँ। मुझे तो ये कोई वो लगता है। वो गुंडा? गुंडा किसे बोल रहा है? तुम्हें। बिलीव मी मैडम, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे अंदर घुसाया था। शट अप, शट अप। अरे मैडम अपना वो तो लेती जाइए। वो क्या? सामान, कपड़े नहीं चाहिए, कुंडे। तुमको वो चाहिए कि नहीं? हाथ निकाल। निकाला। वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। वो कहाँ से लाऊं? वो तो चली गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हें मेरे शो में आना होगा। अंजू चिल्लाओ मत, ये हमारा घर नहीं पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन हो या घर हो तो तुम मेरे भाई, और मेरे भाई को मेरे शो में आना होगा। अंजू अगर मैं तुम्हारे शो में आया ना तो वहाँ किसी ना किसी की पिटाई जरूर हो जाएगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम वहाँ नाचोगी और कोई ना कोई सीटी बजाएगा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर मुझे उसे पीटना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, अगर हुआ अभी तक नौकर देना, वैसे भी तुम्हें मेरे शो में आना होगा। अंजू चिल्ला मत। ठीक है मैं तुम्हारे शो में आऊंगा। पक्का होगे ना? पक्का आऊंगा। अगर नहीं आए तो अंजाम सोच लेना। हाँ अंजाम? पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को धमकी? आए कभी? हाँ? कैसा लग रहा हूँ? वेरी गुड। ये हुई ना बात, वैसे पुलिस की यूनिफॉर्म में तू और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। चल तुझे दूसरे ऑफिसर से मिलाता हूँ। अरे एक बात बता यार, तू अपनी बहन के साथ रहता कैसे? तू कब मिला उससे? अभी अभी मिली। तुझसे कुछ कहा तो नहीं उसने? नहीं कुछ नहीं, दो मिनट के अंदर पूरी झड़दे ले ली मेरी, बस और कुछ नहीं। बचपन से ऐसी है यार, पूरे घर की लाडली है ना। पुलिस स्टेशन में घुसती है तो समझती है ये पुलिस स्टेशन नहीं अपना ही घर है। जिद करते रहती है, आज भी जिद कर रही थी। उसका पता नहीं कुछ शो है यार, मुझे बुला रही थी।
तू चलेगा मेरे साथ? चल हाँ चल। Are you sure? या या मैन शिंदे। अरे वो रही वो जिसका हम वो देखने आए हैं। अरे शो देखने आए। अरे मैडम और मैडम मैडम ये रही पीके। तुम आप जानती हैं मेरे उस पर क्या बीत रही है? हम आपका वो देखने आए थे लेकिन सुना है कि आप अकेले ही वो कर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैडम इसका थोड़ा रिमोट कंट्रोल बाबा बिगड़ गया। बटन कोई दबाता है चैनल कुछ और आ जाता है। देखो जी हम आपका ड्यूएट डांस देखने आया था नहीं, अभी हमको पता चला कि आप अकेली डांस कर रही हैं। अरे सही हमें रोमांटिक आदमी भेड़िया छोकरी के साथ छोकरे का डांस भी देखना मांगता है, नहीं तो मान हानि का दावा ठोक देगा। लेकिन मैंने तो सोलो आइटम तैयार किया हुआ है। तो क्या आपको मर्द के साथ वो करना नहीं आता? क्या करना नहीं आता? नहीं, नहीं, डांस करना नहीं आता क्या? अरे मर्द तो छोड़ो, मैं तुम दोनों को भी अपने साथ नचवा सकती हूँ। अरे साईं मर्द को छोड़कर हमको पकड़ा है। लेकिन हम आपके साथ वो नहीं कर सकते। तो ढूंढ के लाओ कोई मर्द जो मेरे साथ नाचे। अरे वाह ये प्रपोजल अच्छा है साईं, बिल्कुल डन डन। देखो मैडम इस दरवाजे से जो भी पहला कोई मर्द आएगा उसके साथ आपको वो करना होगा, डांस करना होगा। चलो उधर देखो दरवाजे की तरफ, शायद कोई मर्द आ जाए। आ जाए? अरे आया रे आया रे। अरे ये तो दो दो है। अरे बाप रे वो देख छज्जू आ गया। सही आ गया हमारा मर्द। अरे ये तो गुंडा है। गुंडा किसको बोला? ये मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर राम, समझा? इंस्पेक्टर मैं तो समझा था कि इसके साथ वो करना पड़ेगा। क्या बोला तू? वो मेरे दोस्त के साथ। कभी इसकी ट्यूनिंग जरा गड़बड़ाई है। विविध भारती पर समाचार सुना। तो समाचार ये है साईं कि आपको इसके साथ ड्यूएट डांस करना पड़ेगा। अरे इसे सीधे चलना आता नहीं, ये डांस क्या करेगा मेरे साथ? एक मिनट पुलिस वाले भी डांस कर सकते हैं क्या राम? हाँ बिंदास। पुलिस वाले सिर्फ परेड कर सकते हैं, डांस नहीं। सॉरी ये तो इसकी वो करके चली गई। क्या बोला तू? बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। अरे यार ये तो मर्दों की आन पर बात आ गई। तू बेफिक्र बेड़ो वो अकेली डांस नहीं करेगी। लेकिन आप यहाँ खड़े खड़े उसके साथ वो कैसे करेंगे? फिर वो बोला तू वेट होगा, बैठ कर लो नया आइटम है। आइए चलिए अपने उस पर बैठिए। इस पर कुर्सी पर बैठिए। चलेगा कुर्सी लाल। अच्छा ये ठीक है भाई। Thank you.
शुरू और अब जाके खत्म हुआ है। मैंने तो अपने हथियार डाल दिए, अब इनका मालूम नहीं। इसलिए तो तुम्हें माफ किया, अगर मुझसे झगड़ा करते। अरे बस 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 बस, फिर से शुरू मत कर देना आप। राम, मुझे पुलिस स्टेशन में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अंजू, राम को कॉफी ऑफी पिलाओ। पिलाती हूँ। बस। पिलाती हूँ बाबा। बाय राम। जाओ। बाय। राम, तुम बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। ओके। ये तस्वीर किसकी? मेरी मम्मी डैडी की है। शक्कर? एक मेरे डैडी भी पुलिस ऑफिसर थे। भाई की तरह, तुम्हारी तरह। थैंक्स। लव मैरिज की थी उन्होंने। एक पार्टी में मिले, एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। मैं तो सोचता था ये सब किताबों कहानियों में लिखी बातें हैं। नहीं, लेकिन मेरे मम्मी डैडी का प्यार कहानी नहीं, हकीकत है। तुम्हें कभी किसी से पहले नजर में प्यार हुआ है? कहाँ? कार पार्क में। किससे? तुमसे। किससे?
चेहरा न देखूं अगर रोशनी मेरे किस काम की जिंदगी में अगर तू न हो जिंदगी मेरे किस काम की ला 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 शादी करोगी? हाँ बोलो अंजू, will you marry me? Will you marry? La la
अंजू अंजू बाहर मत जा। ये लो तुम्हारा अंडा सैंडविच से भरा हुआ टिफिन। तुम ऑफिस जाने का क्या लोगे? बहुत कुछ है फिलहाल। संभाल आता हूँ जल्दी। बाय जॉय। बाय। डांगा साहब आ गया। वेलकम बैक सर। आइए। श्रीवास्तव अब मुझे इस शहर में इतनी इज्जत खरीदनी है कि वो कमिश्नर भी डोंगा से हाथ मिलाने में अपनी इज्जत समझे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं डोंगा साहब, प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे डोंगा साहब आ गए। हाँ, अरे चलो डोंगा साहब आ गए। सुना है डोंगा साहब आपकी रिहाई के साथ शहर में हिंसा और जुर्म फिर से जन्म ले लेगी। वो हमारा बीता हुआ कल था, आज और आने वाला कल डोंगा दी ग्रेट अहिंसा का पुजारी बना देखेगा। डोंगा साहब क्या आप भी अपनी हिफाजत के लिए लोगों को हफ्ता देना पड़ेगा? मैं खुद लोगों के दिलों से दहशत और डर को निकाल फेंकूंगा, लेकिन गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के गरीबों के लिए मैं आज एक मुफ्त अस्पताल बनाने की घोषणा करता हूं। और साथ में कपड़ा मिल भी जिसकी सारी आमदनी अस्पताल को सौंप दी जाएगी। तो क्या इस शहर में रामराज लौटने की उम्मीद की जा सकती है? कुछ नहीं करा कभी गोलियां चली तो मारे जाएंगे। टोंगा का भाई मर्डर रेप एक्सटॉर्शन सब कुछ कर चुका है, फिर भी आजाद घूम रहा है। तुम लोगों ने सुना था ना कि मेरा भाई डोंगा वापस आ गया, फिर भी तुम लोग सलामी देने को नहीं आए। हम लोगों को भी अपना अपना काम होता है। तो पुराने दोस्तों के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। ये बात मेरे दिमाग में से कैसे निकल गई? गलती मेरी है, इट्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी मैन। देख सतपाल, अब तो हम लोगों को डरा नहीं, अब हम लोग डरने वाले नहीं है। जा तेरे भाई को बोल देना हम लोग भी भिड़ने को तैयार है। पहले मुझसे तो भिड़ ले। शाम तक घर में आकर माथा टेक जाना, वरना माथा नहीं बचेगा। रुक जा सतपाल। कवि तो ये लोग को संभाल, मैं सतपाल के पीछे जा रहा हूं। तू जा राम।
इंस्पेक्टर राम, ये वही शख्स है ना जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया था? आज मैं रिहा हुआ हूं तो उसने मेरे भाई को हथकड़ी पहना दी। इंटरेस्टिंग। डोंगा साहब, उसने सतपाल भाई को खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मेरे सतपाल का तो धर्म ही है खून बहाना, और श्रीवास्तव का कर्म है उसे कानून की गिरफ्त से छुड़ाना। मैं उसे छुड़वा तो लाऊंगा, लेकिन क्या वो इंस्पेक्टर राम को छोड़ेगा? आप अपने भाई का गुस्सा तो जानते हैं, वो पुलिस चौकी में ही इंस्पेक्टर राम का खून कर देगा। श्रीवास्तव, सतपाल जानता है कि राम मेरा शिकार है, वो राम को मारेगा नहीं, उसके साथ खेलेगा, उसकी बीवी के साथ खेलेगा, उसके बच्चे के साथ खेलेगा। तुम एक बार उसे छुड़ा कर तो लाओ, फिर देख तमाशा। वकील साहब, आपके पेपर से बिल्कुल ठीक है। अगर पेपर्स ठीक है तो मेरे क्लाइंट को फौरन बाहर निकलवाइए। बहादुर सिंह। यस सर। सतपाल को बाहर ले आओ। सर, मेरे ख्याल से राम साहब आए तब तक हमें रुक जाना चाहिए। जो बोला गया है वो करो, कोर्ट का ऑर्डर है। वकील साहब राम का इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग कहते हो तो ले आता हूं। इसे बाहर क्यों निकाला? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तुम एक मिनट के लिए इसे अंदर नहीं रख सकते। इसने हमारे आंखों के सामने खून किया है। इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास? हाँ, तुम तो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारी गवाही कोर्ट में कोई मायने नहीं रखती। क्या बकवास कर रहे हैं लोग? इंस्पेक्टर, आज के बाद जब भी घर से निकलना, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलना। अपने बाप को पहना बुलेट प्रूफ जैकेट। इंस्पेक्टर अपने गुस्से पर काबू रखो, इस तरह का बर्ताव एक पुलिस ऑफिसर को शोभा नहीं देता। इंस्पेक्टर कभी अपने दोस्त को समझाएं कि कानून से ना खेले, वरना मुजरिमों को जेल पहुंचाने वाला कहीं खुद ही जेल ना पहुंच जाए। अब बैठता हूँगा कहता लाल, तू मुझे क्या जेल भेजेगा? शुक्र करके तू आज तक जिंदा है, वरना कब का टपका दिया होता। टपका 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 साला टपकाएगा। अरे मुझे क्या देख रहा है, अंदर जाके देख तेरे बीवी बच्चे सलामत है कि नहीं। तुम जानते हो कौन लोग हैं? हाँ,
जो हमारे देश प्रेमी हैं, जिनकी नजरों में हम पुलिस वालों की कोई अहमियत नहीं है, जो बताना चाहते हैं कि जिस तरह इस मुर्गी को काटा है उसी तरह हमें भी काट कर लटका सकते हैं। डराना चाहते हैं सर, तुम डरे तो नहीं ना राम? मेरे पिताजी भी पुलिस ऑफिसर थे, बचपन से मैंने ये सब कुछ अपने घर पे होते हुए देखा है। कभी पथराव होते, कभी गोलियां चलती, कभी दरवाजे के आगे बम फटते, लेकिन मेरे पिताजी ये जानते थे कि जिस दिन उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी उसी दिन उन्होंने अपने बीवी और बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी। राम, तुम भी लगा चुके हो। चंद बहादुर के मेडल्स के लिए मैं तुम्हारे और अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। जिस आदमी ने मेरा दिल जीता था, जिससे मैंने प्यार किया था, वो तो इन भेड़ों से लड़ना चाहता था। वो तो कहता था कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, वो बिक नहीं सकता, दौलत उसकी चाहत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा वही आदमी देखना चाहती हूँ राम, हमेशा। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, जानती हूँ, लेकिन मेरी और जय की वजह से तुम कमजोर हो जाओ ये मुझे मंजूर नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी और बेटा तुम्हारी ताकत हो, कमजोरी नहीं। We'll be right back.
लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी पिछली जिंदगी से तो आप सब वाकिफ होंगे ही। जाने कौन सा शैतान मुझसे जुर्म करवाता था, यहां तक कि कमिश्नर साहब जैसे नेक इंसान पर भी मेरे गुनाह का असर पड़ा। लेकिन जब मैंने इनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, इनका बड़प्पन कि इन्होंने मुझे माफ कर दिया। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि जिस शहर में मेरी वजह से इतना खून बहा है, वहां मैं एक ऐसा शानदार और खूबसूरत चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां हर जख्मी इंसान के खून के हर कतरे की कद्र हो। इस नेक काम को अंजाम देने के लिए मैंने अपने बेटे के नाम एक टेक्सटाइल मिल खोली है, जिसकी तरफ से पेश किया गया फैशन शो भी आपने देखा। इस मिल का सारा मुनाफा मेरे उस सपनों के हॉस्पिटल को जाएगा जिसका मॉडल आपके सामने है। दंगा! जब धंधा तेरा लाशों का है तो शहर को कब्रिस्तान दे, ये अस्पताल नहीं। अपनी नाजायज औकात पर शराफत का मारा लगा रहा है। शराफत ही तो थी ये मेरी जो तुम्हारी हरकत बर्दाश्त कर ली। इंसानियत थी मेरी जो मैंने क्या बोला? इंसानियत? दो टांगों पर खड़ा होकर ये जानवर इंसानों में तो शामिल हो गया है, अब इंसानियत की भी बात करने लगा है तू? जबान को लगाम दो इंस्पेक्टर राम। मेरे बीवी बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अब यहां हॉस्पिटल बनाकर अपने बीवी बच्चे के लिए इज्जत खरीदने की कोशिश कर रहा है तो आराम सा। इसने डोंगा दी ग्रेट को हरामजादा कहा? इस दो टके के इंस्पेक्टर ने मुझे हरामजादा कहा? इतने सारे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे बीवी बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती की, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे गटर में फेंक दूंगा। आ गया ना असली औकात पर, निकली ना असल बोली, चार टांगों पर कुत्ते की तरह भौंकने लगा ना तू डोंगा दी ग्रेट। तू डोंगा दी ग्रेट को ललकारता है, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, छोड़ मुझे। अब इज्जत की नहीं, अब मर्द होने का दावा कर। राम, तू मुझे जानता नहीं है राम, तू मुझे जानता नहीं है। जानता हूँ, सड़क का थूकदान है राम, जो इस महफिल का गुलदस्ता बन बैठा है राम। जब ले राम नाम का डोंगा, तेरी मौत किसी राम के शस्त्र से होगी। तुम छोड़ो मुझे, बकवास करता जा रहा है श्रीवास्तव, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे। राम, तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो, अपनी जाति जिंदगी के लिए अपने ओहदे का फायदा नहीं उठा सकते। तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ जो हुआ वो महज एक हादसा भी हो सकता है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता था कि डोंगा की पार्टी में पहुंचकर हंगामा खड़ा करो। डोंगा एक नया हीरो, आज का नया सुपरस्टार। हर आदमी जिसकी पार्टी में जाना, उसके साथ शराब पीना, उसके साथ चेयर्स करना अपनी शान समझता है। माफ करना सर, आप भी तो वहीं थे ना। देखो राम, डोंगा अपने खुद के पैसे से एक अस्पताल बनवा रहा है जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। वो एक इज्जतदार शहरी बन चुका है, और वैसे भी जिंदगी में हर इंसान को एक बार सुधरने का मौका दिया जाता है। तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र? हम कब तक सब्र करें? हम अपनी जान पर खेलकर डोंगा के गुंडों को अंदर कर देते हैं, और 10 मिनट में डोंगा का होशियार वकील उन्हें बाहर निकाल लेता है। अगर कानून ये चाहता है कि किसी को छोड़ दिया जाए तो पुलिस इसमें क्या कर सकती है? कानून जिसे चंद रुपए में खरीदा जा सकता है, उस पर हम कैसे भरोसा करें? तो तुम क्या करना चाहते हो? सामने मतलब? या तो डोंगा रहेगा या तो मैं। आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए सर। अगर तुमने बगैर सबूत के डोंगा के खिलाफ एक्शन लिया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे बीवी पे हमला हो और आप कहते कि मैं कुछ ना करूं? तुम्हारे ही परिवार की तरह और शहरी वासियों के भी परिवार हैं। शहरी के परिवार को संभालने के लिए हम पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वालों के परिवार को संभालने के लिए कौन है सर? जोश में आकर कोई गलत काम मत करना राम,
अपने सगे बेटे से भी ज्यादा चाहता हूं तुम्हें, मुझे मजबूर मत करना। मजबूर तो मैं हूं सर, आपने हमें पिस्तौल तो दे दी है लेकिन उसकी गोलियां नहीं थी, और मैं खाली पिस्तौल से कुछ नहीं कर सकता। डोंगा कैसी बीमारी है जो हमारे पूरे समाज को खोखला कर रही है सर, हमें उसे जड़ से निकालना ही होगा। सर जब भी कोई बच्चा स्कूल की जगह ब्राउन शुगर पीकर गटर में पड़ा रहता है उसका जिम्मेदार कौन है? जब भी किसी मासूम का खून बहता है उसका जिम्मेदार कौन है? आप और मैं सर, डोंगा नहीं। आप ये सब जिम्मेदारी का बोझ उठा सकते हैं सर, मैं नहीं। अंजू ठहरो। क्या ठहरो? पहले मुझे चांद देखने दो, फिर इसमें से तुम्हारा चेहरा। देखा कैसे दिख रहा हूँ? बस बस मस्ती नहीं है, मुझे तुम्हारी नजर उतारनी है। कैसे? तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करनी है। ऐसे करो। हे भगवान, मेरे सुहा को लंबी उम्र देना, उन पर तो हमेशा मेहरबान रहना, उन्हें तो हर मुसीबत हर खतरे हर दुख से बचाना, वक्त आने पर उनकी जान बचाने के लिए मेरी जान ले लेना। ये क्या बात कर रही हो? बीच में क्यों टोका? तुम शादी से पहले तो इतनी धार्मिक नहीं थी, है ना? शादी से पहले तुम्हें मांगा था, और जब पाया तब जाके राम पे यकीन आया। Thank you.
क्या बहादुर? सर एक खास खबर है। बोलो। आज रात को डोंगा के यहाँ एक बहुत बड़ी डील होने वाली है जिसमें मिनिस्टर्स भी शामिल है। तुम्हें किसने बताया? खबर पक्की है सर। किसी और से तो नहीं कहा? आपके और कवि साहब के अलावा इस डिपार्टमेंट में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता सर। थैंक्स। दिमाग दिमाग दिमाग। इस खोपड़ी में जो कुछ भी है सब ऊपर वाले की कृपा है। आज डोंगा इस शहर में धर्मात्मा कहलाता है। लोग उसके नाम से भजन लिखते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। डोंगा अगर कप्तान है तो आप सब उसकी टीम के खिलाड़ी हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी खलीफा होते, जैसे ये श्रीकांत थापा, ये हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। डोंगा से 5 करोड़ की कोकीन की डील करने आए हैं और ये है इनका सैंपल। लेकिन शेर खून का जायका बहुत अच्छी तरह जानता है। कोकीन उतनी मिलावटी है जितने तुम्हारे इरादे। मौत! मौत! यह है डोंगा के खालिस दरबार में मिलावटी यादों की सजा। हेलो। हाँ कभी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। मुझे डोंगा के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। मैंने उसे एक आदमी का खून करते हुए वीडियो पे रिकॉर्ड कर लिया है। कल सुबह पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में मिलते हैं। ओके। अरे तुम्हारा काम हो जाएगा मेरा डार्लिंग। अरे मैं शिंदे बोलता है। अरे डार्लिंग के बच्चे, डोंगा साहब ने जो पार्टी में मर्डर किया था वो इंस्पेक्टर राम ने वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया। अरे क्या बोल रहा है जरीली भाई? अरे ठीक तो बोल रहा हूँ। अरे ये इंस्पेक्टर राम को पगार ज्यादा मिलती है क्या? अरे डोंगा साहब की बेटी की शादी थी जो वीडियो उतार लिया, उसके साथ साथ हमारी भी फोटो आ गई होगी ना? और क्या। अरे बाप रे बाप, अब कानून हमारी वर्दी के साथ साथ हमारी चमड़ी भी निकाल देगा। असगर अली भाई, डोंगा साहब को फोन किया क्या? नहीं अभी नहीं। तो फिर कब करेगा? फांसी लगने के बाद करेगा तुम? ये लो फोन लगाओ डोंगा साहब को। बोलो। डोंगा साहब, आज रात श्रीकांत थापा का जो मर्डर आपने किया है वो इंस्पेक्टर राम ने वीडियो पे रिकॉर्ड कर लिया है। कल सुबह वो कैसेट कमिश्नर के हवाले करने चल रहा है। मौत, मौत, मौत! मुझे उस इंस्पेक्टर की मौत चाहिए। मुझे उसकी बीवी की मौत चाहिए। मुझे उसके बच्चे की मौत चाहिए। मुझे उसके पूरे खानदान की मौत चाहिए। जाओ! Thank you.
क्या लगता है यार, इन दोनों में से कोई बचेगा? मुझे तो लगता है इन दोनों में से कोई नहीं बचेगा। अरे इतनी गोलियां लगी कि दोनों के दोनों फिनिश हो जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या बोला तू? क्या बोला तू? आराम से दे। अरे छोड़ यार कवि। कोई नहीं मरेगा, दोनों में से कोई नहीं मरेगा। देखो कवि, तुम्हारी बहन अंजलि से हमें कोई दुश्मनी नहीं, मगर इंस्पेक्टर राम नाम की बला से बचने का एक ही इलाज है, ये मर जाए तो अच्छा है। अपने साथी ऑफिसर की जिंदगी की दुआ मांगने के बजाय तू उसकी मौत की दुआएं मांग रहा है? आराम से, तुझे शर्म नहीं आती? अरे शर्म आ रही इसीलिए तो बोल रहे हैं। ये बात साफ हो गई कि तेरा राम क्या धंधे करता था, सिर्फ ईमानदारी के ढोल पीटा करता था। झूठ क्यों बोलता है? राम के नाम पर कीचड़ क्यों उछालता है? क्या बात कर रहा है कवि? कमिश्नर ने खुद उसके घर पर रेड मारकर उसके घर से ब्राउन शुगर और कोकीन बरामद की है। कितने पैसे दिए थे डोंगा ने तुम लोगों को? कितने पैसे दिए थे डोंगा ने राम के घर पे वो सब कुछ रखने के लिए? अरे ये तू हर बात पे डोंगा डोंगा क्या करता है? ये बात साबित हो गई कि तेरा दोस्त राम ईमानदारी का नकाब पहनकर क्या धंधे करता था, ये सिर्फ हम लोग ही नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है। रुपयों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, अपनी आत्मा, अपना ईमान, अपना जमीर कुछ भी बेच सकते हो। अरे तुम लोगों का बस चले तो इस पूरे देश को बेच दो। राम के बताए हुए सच्चाई के रास्ते पर चलने के बजाय तुम लोग उस रास्ते को ही बम चौड़ा देना चाहते हो, ताकि तुम लोगों का बेईमानी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए। एक्सक्यूज मी मिस्टर कवि, राम की सांसें चल रही हैं, मगर आपकी बहन अंजलि को हम डॉक्टर अपने पर काबू रखिए। हाँ मैं पीके बोल रहा हूँ। अरे वो कपड़े वाला पीके नहीं, पेपर वाला पीके। अब मैं अखबार का एडिटर बन गया हूँ ना। झटका ओ फटका ओ तेरी फोन गया। ओए 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 ए राजा। हाँ रिपोर्टर, तू मेरी इसमें घुस के ये क्या कर रहा है तू? राजा कहीं भी घुस सकता है, इसलिए कल के होने वाले हादसे की खबर आज छाप सकता हूँ मैं। वो कल की खबर आज? यस। वो क्या है? वो क्या है? क्या है वो? क्या है? मशहूर भारत टाइम्स के एडिटर पीके की बॉम्ब ब्लास्ट से हत्या। बड़ी अच्छी खबर छापो। छापूंगा मगर अबे एडिटर तो मैं हूँ। नहीं तो क्या मेरा बाप है? तू ही है। तू कह रहे कपड़ों में से कहीं बम की बू तो नहीं आ रही है? देख आजकल बम बनाने वाले कहीं भी रख देते हैं। सुना है टेबल में बम रख देते हैं, सिंगापुर में टेबल में बम रख दिया। अरे बाप रे बाप, क्यों बम बनाते हैं ये लोग? कुर्सी में, कुर्सी में रख देते हैं बम। अरे बाप रे बाप, कहीं भी रख सकते हैं। इंडोनेशिया में कारपेट में बम रख दिया था। कारपेट में बम, कारपेट में बम, फड़ा फुड़ू, कहीं भी रख सकते हैं। पंखों में रख सकते हैं और ये लाइटों में, लाइट में, लाइट में, लाइट में भी रख सकते हैं। लाइट में तो नहीं है, लाइट में नहीं है, शर्ट के बटनों में, शर्ट के बटनों में बम। अरे बाबा, बटन बटन रे, बटन बटन रे, बटन बटन रे, इसमें देखो शर्ट के बटन में बम रे बाबा, कुछ भी कर सकते हैं। अरे बाप रे, सिंगापुर में मैंने सुना पैंट के जेब में बम, पैंट के जेब में। अरे बाबा रे, क्या हो गया दुनिया, क्यों बम बनाते हैं लोग? पैंट के नीप में बम, बॉल पेन में, इंक पेन में, जामुन में, एप्पल में, बैगन में। अरे हे कौन है? ए कौन छोड़े इसको अंदर? रे छुट्टा नहीं, माफ करो, चलो बाहर चलो। अबे हट, अबे मैं ही पीके हूं। पीके पीके तू बगैर कपड़ों में भिखारी लगता है रे, बिल्कुल भिखारी लगता है रे। अबे तू नहीं मुझे,
ये अखबार का ऑफिस खोलने की राय दी थी, अब तू ही बचने का रास्ता बता। बचने का रास्ता नहीं, फटेगा, तू फटेगा, सबको फाड़ देगा। तेरी भांजी मालूम है क्या कर रही है? क्या कर रही है? अरे वो गद्दार राम इंस्पेक्टर है ना, अरे उसका भूत क्या सवार है उस पर पता नहीं, उसी के बारे में खपगप छाप रही है, उसको पूरा हीरो बना दिया पेपर में। अरे अखबार नहीं हुआ, पूरा अखबार जो है रामायण हो गया है। अरे वो इंस्पेक्टर राम रामचंद्र हो गया है और वो डोंगा रावण बन गया है। डोंगा ने कभी पढ़ लिया ना, तू फटेगा, फटेगा तू, हम सबको फाड़ देगी। तेरी भांजी को समझा दे, बहुत बोल कर रही है, बहुत बोल कर रही है। फटूंगा, फटाफटी चली रे। ओ रितु। जी मामा जी। रितु, 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 हटना, रितु। मामा जी आपके कपड़े? अरे कपड़े छोड़, तू ये लफड़े क्या कर रही है? मैं हमारे अखबार के लिए इंस्पेक्टर राम पर एक और आर्टिकल लिख रही हूं। एक और? हाँ, और मैं उसकी सच्चाई साबित करके रहूंगी। अरे तू उसकी वो करने के लिए हमारी ये क्यों करवा रही है? उस मुजरिम राम को मसीहा बनाकर अपने मामा को उससे उड़वा, तू फटेगा। मामा जी इंस्पेक्टर राम मुजरिम नहीं है, मैं इंस्पेक्टर राम को तब से जानती हूँ जब से उसने पुलिस कमिश्नर की जान बचाई थी। और अपने फर्ज के लिए उसने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी। हाँ मामा जी मैंने देखा है, मुझे उसमें इतनी आस्था है जितनी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय दिल में होती है। और ये मेरा एतबार सही और आपका शक गलत, और आज कोर्ट में राम ये साबित कर देगा। साबित कर देगा? राम नाम की माला तो ये ऐसे जप रही है, अगर वो शादीशुदा ना होता तो ये शादी भी कर लेती। बेशक राम एक अच्छा इंसान है, ईमानदार ऑफिसर है, मैं तो आज ही शादी कर लूं। मुबारक हो पीके साहब। लेकिन शादी के दिन डोंगा साहब को बुलाना ना भूलना। 007 पनामा बम माला पाम बम मारा पनामा। मजा आएगा सतपाल, बहुत मजा आएगा। कानून का फंदा कानून के गले में। लेकिन वकील साहब, कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। बिल्कुल, सजाए मौत ही होगी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गुड। वो कैसेट हमें आज तक नहीं मिली भैया, अगर उसने अपनी जबान खोल दी या वो कैसेट अदालत के सामने पेश कर दी तो? देखा श्रीवास्तव, सतपाल भी कानून की बारीकियां अच्छी तरह समझने लगा, ऐसा सवाल किया है कि तुम भी चुप हो गए। लेकिन सतपाल, तुम्हारा भाई कानून से कहीं ज्यादा कमीना है। डॉक्टर जोशी, ये डॉक्टर जोशी है, ये इंस्पेक्टर राम की देखभाल अस्पताल में हमारे मुताबिक कर रहे हैं। क्लेवर ना? डॉक्टर जोशी राम के जिस्म में इतना नशा भर देंगे कि उसकी आंखें खुली रहेंगी, उसकी सांसें चल रही होंगी, लेकिन उसकी जबान बंद होगी। कल देख तमाशा। मैं कसम खा के कहता हूं, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? सलीम लंगड़ा। काम? ब्राउन शुगर का धंधा करता था और उसी के जुर्म में जेल में सजा काट रहा हूं। ये ब्राउन शुगर आपको कहां से मिलते थे? सर मैंने जब भी ब्राउन शुगर लिया है इंस्पेक्टर राम सिन्हा से लिया है, और एक दिन उन्होंने अपने ही ब्राउन शुगर के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार कर लिया। सर मेरा नाम गणपत है, मेरा चरस का अड्डा था, वो चरस मुझे राम सिन्हा दिया करते थे जिसके सजा मैं खुद काट रहा हूं। ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है साहब कि मैं लड़कियों का दलाल था, लेकिन ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि वो लड़कियां मुझे इंस्पेक्टर राम सिन्हा सप्लाई किया करते थे। योर ऑनर, कितना होशियार और चालाक है ये इंसान। एक तरफ लोगों को अफीम, चरस, ब्राउन शुगर सप्लाई करता है, लड़कियां सप्लाई करता है, और जब उनसे काम पूरा हो जाता है तो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उन्हीं को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देता है। योर ऑनर, ऐसे मुजरिम के लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, और वो है सजाए मौत। मुलजिम राम सिन्हा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
राम कुछ तो बोल, राम अपनी सफाई में कुछ तो बोल, राम राम इन भेड़ियों के सामने कुछ तो बोल। डॉक्टर साहब अगर राम नहीं बोलता तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। इंस्पेक्टर कवि को कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाए। अरे बाहर क्या निकाल दो, हाथी पर चढ़ा दो मुझे, मेरी जान ले लो, मगर राम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। राम राम तो चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं तू? राम राम अरे सबके सब टिके हुए जज साहब, सबके सब टिके हुए हैं, ये सारे टोका के खरीदे हुए गुलाम है जज साहब, सारे टोका के खरीदे हुए गुलाम है। राम बता था तू नहीं वो कैसे है, राम वो कैसे बता। योर ऑनर, इनके मुजरिम होने का सबसे बड़ा सबूत इनकी खामोशी है, इनकी खामोशी से बड़ा और कोई गवाह हो ही नहीं सकता मिलॉर्ड। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर राम सिन्हा अपनी वर्दी, अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हुए एक गलत कारोबार में शामिल हुए। नतीजा, इनके कारोबारी दुश्मनों के हाथों इनकी पत्नी की हत्या हुई। हर पहलू पर पूरा गौर करने के बाद ये अदालत इंस्पेक्टर राम सिन्हा को मुजरिम करार देती है और इन्हें 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। डोंगा साहब, राम को सजा हो गई। जज ने क्या तारीख तय की है उसकी फांसी की? जी फांसी तो नहीं हुई, 5 साल की कैद मिली है उसे। क्या कहा? जी मैंने तो पूरी कोशिश की लेकिन जज ने सिर्फ 5 साल की सजा दी उसे। 5 साल? जी सिर्फ 5 साल। टुंगा साहब, सजाए मौत दिलवाने के लिए मैंने अपना शिकार इसके कानून के हवाले किया था और उसके गले में फांसी का फंदा डलवाने के बजाय इसने उसके गले में फूलों का हार डाला। 5 साल? इतनी सस्ती समझता डोंगा की दुश्मनी। मैंने पहले ही कहा था भैया, कोर्ट पहुंचने से पहले उसे गोली मार देते तो ज्यादा अच्छा था। 5 साल की सजा डोंगा नाम मंजूर करता है सतपाल, तो जेल नहीं पहुंचना चाहिए।
बचा मुझे, वो मार देंगे। राम भाग गया क्योंकि वो अकेला था। राम भाग गया क्योंकि वो निहत्ता था। राम भाग गया क्योंकि वो अधमरा था। अरे असगर अली भाई, यहाँ शरीर के सारे सुराग खुल गए और ये साले लोग उसके साथ आंख निचोली खेलकर चले आए। भेजा था क्रिकेट खेलने के लिए, गिल्ली डंडा खेलकर चले आए। अब दाढ़ी वाले को क्या जवाब दोगे? अंदर चलकर बैठो राम। तुम मुझे जानती हो? हाँ, इंस्पेक्टर राम, एक फरार मुजरिम। एक फरार मुजरिम को अपने घर में पना क्यों दी तुमने? क्योंकि मैं तुम्हें तब से जानती हूँ राम, जब तुम सिर्फ एक बेरोजगार राम थे जिसने जान पर खेलकर पुलिस कमिश्नर को बचाया था। आज वही राम एक मुजरिम। ये तो यूं हुआ कि मंदिर में चोरी हुई और अदालत ने साबित कर दिया कि मुजरिम भगवान है। बहुत यकीन है मुझ पर। पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ राम, मेरा नाम है ऋतु। जुर्म के खिलाफ तुम खड़े खबरें बनाते गए और मैं खबरें छापती गई, और जानते हो तुम्हारी हर लड़ाई के बाद मुझे यकीन होता चला गया कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम्हारे खून का रंग लाल है। हाँ, रंग तो लाल है, मैंने भी देखा। खुद से लतपत अपनी बीवी की लाचार आंखों में, अपने मासूम बेटे के खौफ में, जब उसकी जीती जागती मां अचानक एक लाश बन गई। तुम एक पत्रकार, तुम्हारे अखबार, तुम्हारी खबरें किन लोगों तक पहुंच पाए, क्या कर पाए वो लोग, जब मेरी सच्चाई के चेहरे पर काली पोती गई, मेरे ईमानदारी को सलाखों के पीछे फेंका गया। क्या कर रहे वो लोग आज, तो मुझे मुजरिम ठहरा गया, मैं चोर की तरह छुप कर यहाँ बैठा हुआ हूँ। तुम्हारी हर कुर्बानी को मैंने करीब से देखा है राम, मगर इस तरह मायूस हो जाओगे तो हमारी लड़ाई का, हमारी लड़ाई, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे अपनी तरीके से लड़ूंगा। खाक है तुम्हारा तरीका, अब तक हारते आए हो और अब मिटा दिए जाओगे। तुम्हारे इसी अंधी जोश को दुश्मनों ने बड़े होश से अपना हथियार बना लिया है राम। तुम्हारे घर की तबाही, तुम्हारी बीवी की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा ये अंधा जोश है राम। लो पढ़ लो, देखो क्या लिखा है तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में। हॉस्पिटल में तुम्हारे जख्मों पे मरहम कम और रगों में नशा ज्यादा भरा गया, जिसकी वजह से ये राम कोर्ट में खड़ा खामोशी से अपने पर लगाए गए आरोपों को सहता गया। दुश्मनों ने तुम्हें एक बेजान पुतला बना दिया है राम। होश भी है तुम्हें कि तुम्हारे दुश्मनों की ताकत आज किस बुलंदी पर पहुंच गई है? ये है रिपोर्टर राजा, जिसकी खबर होती है हर वक्त ताजा। बोला ना, अरे कोर्ट ने साबित कर दिया है कि इंस्पेक्टर राम मुजरिम है, और तो और उसने पुलिस पर हमला किया और फरार हो गया। पीके, मैं कोई पीके नहीं बोल रहा हूँ, इस वक्त तुम्हारी भांजी रिपोर्टर रितु यहाँ होती तो अब भी यही कहती कि इंस्पेक्टर राम बेगुनाह है। हाँ, मैं अभी भी कहती हूँ कि इंस्पेक्टर राम बेगुनाह है और उसने पुलिस वालों पर हमला नहीं किया था। देखो रितु, तुम इनके रेडियो पर अभी भी राम भजन चल रहा है, सीता माँ की जय हो, सीता माँ की जय हो। सुन रहे हो पीके, अब तो तुम यही कहोगी कि पुलिस वालों पर राम ने हमला नहीं किया, पुलिस वालों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। पूछो पुलिस वालों पर अब तो तुम डोंगा का एंगल घुसड़ोगी ना, कि डोंगा ने हमला किया और राम जी फरार हो गए। हाँ, यही सच है कि डोंगा ने राम को मरवाने के लिए पुलिस वैन पर हमला करवाया था। हाँ पीके, तू कपड़े उतार ले, ये तेरी भांजी तेरे बदन पर कपड़े रहने देने वाली नहीं है। अगर ये खबर अखबार में छपी तो तेरे पीछे पड़ेगा डोंगा और फिर बम फटाक तो फटेगा। और उससे भी बड़ा सच ये है कि राम इस समय मेरे साथ मेरे घर पर है। क्या, तेरे साथ तेरे घर पर? ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अभी जाकर उसको हटाता हूँ। घर से हटा देंगे मगर दिल से तो नहीं हटा पाएंगे ना मामा जी। आखिर तू समझती क्यों नहीं है, तुझे क्या हो गया है? प्यार,
साथ बस तुम अपनी जान को बहुत बड़े खतरे में डाल रही हो। जानती हूँ,
लेकिन जुर्म के सामने घुटने टेक कर पीठ पर हंटर खाना ठीक होगा कि जुर्म के खिलाफ खड़े होकर सीने पर गोली? बताइए, आप ही बताइए मामा जी, कौन सी जिंदगी ज्यादा कामयाब होगी? राम घुटने नहीं टेकेगा और उसका अकेला लड़ना हमारे मुंह पर तमाचा होगा। अगर तू अपनी जिंदगी राम के हवाले कर सकती है तो क्या मैं अपना प्रेस नहीं कर सकता? राम, ये लो। क्या है? प्रसाद है भगवान का। बहुत भोग चुका इसके प्रसाद को। भगवान के प्रसाद के लिए ऐसा नहीं कहते। दिल उतर गया तुम्हारे इस पत्थर की मूर्ति पर से। भगवान से भी कभी कोई नाराज होता है क्या? जब मैं छोटा था तो इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं था। इसे मैं सब कुछ मानता था, ये मेरा अपना था। फिर अंजलि मेरी जिंदगी में आई, मैंने इसे साक्षी मानकर शादी कर ली। फिर जय खुशियों का भंडार लेकर हमारी जिंदगी में आया, पर शायद इसे हमारी खुशियां मंजूर नहीं। छीन लिया उन लोगों ने मेरी अंजलि को और मेरा जय। ये राम राज्य नहीं, रावण राज्य है। सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ और ये देखता रहा। निकाल कर फेंक देना चाहिए इसके हाथों से राम शस्त्र, और अंधों की लाठी दे देनी चाहिए इसको। इनके शस्त्र तो तुम खुद हो राम, और देखना तुम्हारे बेटे की हिफाजत का इंतजाम इन्होंने कर दिया होगा, क्योंकि भगवान राम का ये राम अभी अपने फर्ज की लड़ाई लड़ रहा है। ये प्रसाद का फूल स्वीकार कर लो राम, और अपनी जंग शुरू करो। बहादुर सिंह। नमस्ते बहादुर। सर, आप? आपको तो सारी पुलिस फोर्स ढूंढ रही है, और डोंगा के आदमी भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। डोंगा के पीछे पड़ने की अब मेरी बारी है, तभी कहा है। सर, उनको एक फोन आया था कि अंजू जी के कातिलों का अगर पता जानना चाहते हो तो लिंक रोड पे एक इमारत बन रही, वहां पे आ जाओ। वो वहीं पे गए। Thank you.
बता राम कहाँ है? कैसा है तू? ठीक हूं। तू कैसा है? जिंदा हूं मैं। हैरत नहीं हुई तुझे? हैरत क्यों? मुझे खुशी है कि तू सही सलामत है। बहुत बेशर्म जानू मैं, हर बार बच जाता हूं। क्या बकवास कर रहा है? ऊपर वाले ने जो जीवन दिया है उस जीवन को, जीवन अंजू के मरने के बाद इस जीवन का कोई मकसद नहीं। अपने हाथों से उसकी चिता भी नहीं जला सका। इतना बदनसीब हूं कि अपने आंखों के सामने उसे मरते देखा और कुछ कुछ नहीं कर सका। क्यों जी रहा हूं मैं? क्यों जी रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां हैं तेरे कंधों पर, जिन्हें पूरा करना तेरा धर्म है। उन हाथों को तोड़ना है जिन्होंने अंजू का खून बहाया था, उन पैरों को काटकर फेंक देना है जिन्होंने तेरी घर की खुशियों को कुचला था, और उन सरों को उड़ा देना है जो अपने आप को भगवान और कानून से ऊंचा समझते हैं। इसके अलावा एक वजह और भी है जिसके खाते तुझे जीना है। क्या? तेरा बेटा जय। जय जिंदा है? जय जिंदा है। उसे देखकर तुझे जीने का मकसद मिल जाएगा। आ, चल मेरे साथ। क्या सोच रहे? यही कि भगवान है, मैं उससे नाराज हुआ, उससे लड़ा, उसके वजूद पर शक किया, लेकिन उसने हमेशा मुझ पर दया बनाए रखी। इस नन्हे से फूल को मेरे लिए बचा रखा। कैसा लग रहा है जयपुर? मन तो कर रहा है कि दौड़कर जाऊं और अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लूं। तो जा, लगा ले उसे अपने सीने से। नहीं कभी, अभी नहीं। अभी मेरे सीने पर एक दाग है, एक फरार मुजरिम का। जब तक मैं उसे धो ना लूं, अपने बेटे को सीने से लगाकर उसे मैला नहीं करना चाहता। चल कभी। अरे ऐसे कैसे, राम कहीं गायब हो जाएगा, पलंग से गिर कर लुढ़क कर पलंग के नीचे घुस गया होगा। पलंग के नीचे ढूंढा। अरे क्या वो घर में छुपा छुपी खेल रहा होगा क्या? घर रहे, वो झूला हो गया, गिर गया, लुढ़क के निकल गया। अरे आदमी जब सुबह सुबह उठता है तो कहाँ जाता है? चप्पल लेके अपने आराम से निकले। चाय पीने कहीं गया होगा यार, बैठ के चाय पी रहा होगा। तो फिर डब्बा लेकर, हमारे अब्बा भी जंगल में जाते थे डब्बा लेकर। तो रोड पे जाते हैं, मोड़ पे जाते हैं, लेकिन डब्बा लेके जाना बहुत जरूरी। डब्बे के बगैर
अरे दाढ़ी कटवा के बाल सेट करवाने गया होगा यार, बता करो तुम भी। अरे खतरे की तलवार लटकी हुई है उसके सर के ऊपर और वो दाढ़ी कटवा कर बाल सेट करने गया होगा। अरे कहीं उसको नींद में चलने की आदत तो नहीं है। न जाने आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। इससे बेहतर होगा कि मैं घर जाकर इंतजार करूँ, राम जरूर लौटेगा। वो जरूर लौटेगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, उनका वक्त खत्म हो गया है, अब राम का वक्त आया है। वीतू, मुझे पहली कामयाबी हासिल हो गई। क्या जय मिल गया? हाँ, और मुझे यकीन हो गया कि भगवान हर कदम पर हमारा साथ देगा। वीतू, मुझे वो कैसेट भी मिल गई जो मुझे कमिश्नर साहब तक कैसे भी पहुंचानी है, और तुम मेरी गवाह हो कि मैंने पुलिस वालों का कत्ल नहीं किया बल्कि डोंगा के आदमियों ने मुझ पर हमला किया। तो राम आ रहा है, ये खबर लेकर लौटा है तू, और डोंगा दी ग्रेट ने तुझे भेजा किस लिए था? बोल, क्या हुक्म दिया था तुझे डोंगा ने? कवि से राम का पता ठिकाना निकालकर कवि को मौत के घाट उतार देना। और उधर जाकर तू भरत मिलाप सीन देख कर आ रहा है और इधर आकर रामन पाठ सुना रहा है। डोंगा साहब, मेरे को भी मारोगे? जरूर मारूंगा, लेकिन राम को। सतपाल, मैं उस कोतवाल की मैयत तैयार करवाता हूँ, तू जाकर उसके सगे संबंधियों को लेकर आ। कभी इनके हाथों से बच गया भैया, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कभी मिलते ही राम का पता भी मिल जाएगा। इसकी गर्दन काट डालूंगा। छोड़ दे उसको, आखिरी बार बोलता, छोड़ दे उसको। काट दे, काट दे। हाँ, रुक, रुक। ये देख, ये देख, ये देख। Thank you.
अंदर जाने से पहले ये देख लो राम। अगर तुमने वो कैसेट कमिश्नर को दी तो मुझे यहां क्यों बुलाया? क्या भी मुझे मुजरम मानते हैं? जिसके घर से ड्रग्स बरामद हो क्या वो मुजरम नहीं होता? जो पुलिस की नौकरी को नाजायज धंधे का जरिया बना ले क्या वो गुनहगार नहीं होता? तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारी बीवी को भुगतनी पड़ी। कानून ने तुम्हें गिरफ्तार तो किया मगर तुम फरार हो गए। अब जरा भी शर्म बाकी है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अब तो कानून का हवाला देना बंद कीजिए सर। आप और आपके कानून के सामने कितनी बार गिर गिराया मैं कि मेरे बीवी और बच्चे की जान खतरे में। मेरी अंजू को सतपाल ने गोलियों से छलनी कर दिया। क्या किया आपके कानून ने? कहा था आपका कानून जब उन लोगों ने नकली गवाह नकली सबूत के साथ मुझे मुजरिम ठहराया, जब मेरी जान लेने के लिए पुलिस वैन पर हमला करवाया, और उसी कानून की बात कर रहे हैं जिसका एक सिपाही आपके घर के सामने मुझे यह धमकी दे कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे दोस्त और मेरे बच्चे की जान ले ले। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? अपनी बेगुनाही जिसके लिए मेरे पास एक कैसेट है जिसमें डोंगा के खिलाफ सारे सबूत हैं, और ये रीटू मेरी गवाह कि मैं फरार नहीं हुआ था बल्कि डोंगा के आदमियों ने मुझ पर हमला किया था। तुम्हारी बेगुनाही को सिर्फ कोर्ट ही साबित कर सकता है। फिलहाल तुम एक फरार मुजरिम हो और मैं पुलिस कमिश्नर, मेरा फर्ज है तुम्हें गिरफ्तार करना। गिरफ्तारी तो मैं नहीं दूंगा सर, मुझे जाकर अपने दोस्त और बच्चे की जान बचानी है। मेरा फर्ज तुम्हें जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता, और मेरा जमीर मुझे रुकने की इजाजत नहीं देता। मैं जा रहा हूं सर। रुक जाओ राम, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। चलाइए गोली, चलाइए। आपका एक बेटा तो मुजरिमों के हाथों मारा गया, अब इस दूसरे बेटे को भी अंधे कानून पर कुर्बान कर दीजिए। Come on, shoot me, चलाइए। Come on सर, shoot me। अगर आप जरा भी शक होता कि मैं मुजरिम हूं सर, तो आप मुझ पर ही क्या अपने सगे बेटे पर भी गोली चला देते। आशीर्वाद दीजिए सर। Thank you.
दिल को चुराती हूँ, टिकी टिकी नजरों से तीर चलाती हूँ, करते हैं सब मुझे टू मच लव, मुझे झूम के मैं चलती हूँ, आते हैं आंखें गलती है जमीन, I'm a love machine, I'm a love machine, I'm a love machine. कमिश्नर के पास तुम्हारी तलाश में जैसे वफादारों ने तुझ जैसे कई शेरों के खाले खींचकर
कानून के दरवाजे पर टंगा दिए। अगर तेरे हाथों में ये सरकारी रिवॉल्वर ना हो तू तो लूला हो जाए। वैसे भी शहर के सारे नामर्द सरकार ने पुलिस में भर्ती कर दिए हैं। सरकार जिन हाथों में पिस्तौल देती है देखना चाहता है उन हाथों की मर्दानगी। चल पुत्र आज दिखा दे इसे कि पुलिस वाले कितने बड़े मर्द होते हैं। Oh!
पूछूंगा साहब, राम को किस हालत में आपके हवाले करना है, जिंदा या मुर्दा? अबे जिंदा रख के उसको पालना है क्या? उसको एक बार नहीं बार बार मारो और मार के चेक करो कि मर गया है कि नहीं। वो बार बार जिंदा होके कैसे आ जाता है? शिंदे, एक भी कारतूस खाली नहीं जाना चाहिए। सब के सब उतार दो उसके सीने में। राम के जिस्म में गड़ी हुई हर गोली सतपाल को मेरी सलामी होगी। जाओ अपनी अपनी तैयारी करो। कवि साहब बहुत मार खा ली तुमने, अब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। और वैसे भी राम साहब के आने तक टाइम तो पास करना है ना। तुम्हें तुम्हारे भांजे की मौत का नजारा दिखाता हूं, देख तमाशा। बच्चे को हाथ नहीं लगाना, बच्चे को हाथ नहीं लगाना। डोंगा, बच्चे को हाथ नहीं लगाना, बच्चे को हाथ नहीं लगाना। बहुत अच्छे। Thank you.
तुम्हारी परवाह मत कर रहा हूं। नहीं बने। जय को कुछ नहीं होगा। तू जा राम। मैं? तू जा राम। जरूर के लिए बहुत जरूरी है।